दुनिया के अभी तक के पूरे इतिहास को अगर एक बुक में समाने की कोशिश करें तो हम इंसान इस बुक के आखिरी पन्ने में छोटे से चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा होंगे। लेकिन इस बुक में ऐसे भी कई चैप्टर्स हैं जिनके कुछ पन्ने अभी तक मिसिंग हैं, और उनमें से एक है द मिस्ट्री ऑफ द वूली मैमथ्स। अब जैसे कि जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड्स में दुनिया पर राज था डायनासोर्स का, हम ये कह सकते हैं कि आइस एज के दौरान धरती पर राज था मैमथ्स का। बालों से ढके हुए ये विशाल हाथियों के पूर्वज इस बर्फ से ढकी पृथ्वी पर जीने के लिए ही बने थे, लेकिन आज से कुछ 10,000 साल पहले अचानक से बिना कोई प्रॉपर रीजन के इनका पॉपुलेशन कम होने लग गया, और आज से कुछ 4,000 साल पहले दुनिया के आखिरी मैमथ ने अपनी आखिरी सांसें ली। इनविंसिबल सा दिखने वाला ये आलीशान सा जानवर इतने कम समय में बिल्कुल खत्म हो गया, और ऐसा क्यों हुआ ये पता लगाने के लिए हमें उन खोए हुए पन्नों को फिर से एक बार ढूंढना होगा। सो चलो मेरे साथ फ्रेंड्स इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए और पता लगाने के लिए हु किल्ड द वूली मैमथ्स। अब फ्रेंड्स अगर हमें इनके एक्सटिंक्ट होने के पीछे की मिस्ट्री को सुलझानी है तो हमें इस मिस्ट्री को भी किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट या डिटेक्टिव की नजरों से देखना होगा। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन होता है, स्टार्टिंग विद द डेड बॉडी। अब आई नो अनलाइक एन एक्चुअल मर्डर केस यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रेश बॉडी अवेलेबल नहीं है, बट हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैमथ्स अपने समय में इतने सक्सेसफुल थे अपनी तादाद को बढ़ाने में कि वो लिटरली पूरी दुनिया भर में फैले हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया के हर कोने में से मैमथ्स की हड्डियां मिली है, और सिर्फ यही नहीं अगस्त 2010 में रिसर्चर्स को कनाडा के यूकॉन टेरिटरी के क्लॉन्डाइक गोल्ड फील्ड्स में एक मैमथ के बच्चे का फॉसिल मिला, और ये फॉसिल लकीली आज तक का सबसे वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल है। जस्ट लुक एट इट, लिटरली ये ऐसा दिखाई दे रहा है मानो इसकी मौत अब बस कुछ ही दिनों पहले हुई। और कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि इस बच्चे की मौत आज से लगभग 30,000 साल पहले ही हुई थी, जब इसकी बॉडी परमाफ्रॉस्ट आइस यानी कभी ना पिघलने वाली आइस में ट्रैप हो गई। अब यूजुअली क्या होता है, किसी भी जानवर के मरने के बाद बॉडी में मौजूद बैक्टीरियाज और एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से उनके मसल्स गलने लगते हैं, और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट को मोस्टली प्रीहिस्टोरिक जानवरों की सिर्फ हड्डियां ही मिल पाती है। लेकिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से दूर परमाफ्रॉस्ट आइस में ट्रैप होने की वजह से ये बॉडी आज भी इतनी ज्यादा लाइफ लाइक दिख रही है। अब इसकी मदद से लकीली हमें मैमथ्स की फिजियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है जो हमें नॉर्मली सिर्फ हड्डियों से नहीं पता चलता। इसे हम काफी सर्टेनिटी से विजुलाइज कर सकते हैं कि वो कैसे दिखते होंगे, उनकी स्किन कौन से कलर की होती होगी, उनके कान और उनके ट्रंक्स कितने बड़े हुआ करते होंगे, और बेसिकली हर वो मसल जो समय के साथ डीकम्पोज हो जाता है उसे हम इस बॉडी के मदद से डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत से साइंटिस्टों को जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ऐसे डेड रिमेन्स को देखकर। एक फनी इंसिडेंट हुआ था जब एंशियंट ग्रीक में तभी के लोगों ने मैमथ का फॉसिलाइज स्कल डिस्कवर किया था, और तब बिना किसी सॉफ्ट टिश्यू के सिर्फ उसके स्कल को देखकर उनको ऐसा लगा ये कोई ऐसा जानवर होगा जिसकी सिर्फ एक ही आंख हो, वो दिखने में इंसानों की तरह होगा बस साइज में हमसे कई गुना बड़ा, और कुछ इसी तरीके से जायंट साइक्लोप्स का मिथ फेमस हो गया था। बट थैंकफुली आज के जमाने में रिसर्चर्स के पास मैमथ्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी अवेलेबल है, जिससे हम ना ही सिर्फ इनकी लाइफ लेकिन इनके एक्सटिंक्शन के बारे में भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो चलो हमारे पास मैमथ की बॉडी तो है, तो अब बढ़ते हैं क्विकली हमारे इन्वेस्टिगेशन के दूसरे स्टेप की तरफ, पॉसिबल सस्पेक्ट्स ऑफ मर्डर। सो सबसे बड़ा और ऑब्वियस सस्पेक्ट इस पूरे सिचुएशन में हमें नजर आ रहा है चेंज इन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। मैमथ साइज में और दिखने में बिल्कुल आज के एलिफेंट से मिलते जुलते हुआ करते थे, बड़ा शरीर, बड़ा स्कल, स्ट्रॉन्ग लंबे पैर, बाहर की तरफ निकले हुए टस्क और एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ट्रंक। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल है जो डिफरेंट भी थी, और इनमें से सबसे बड़ा फर्क है ऑब्वियसली इनके बॉडी के ऊपर उगने वाले थिक बालों का। अब आज के एलिफेंट्स की बॉडी पर बाल नहीं उगते क्योंकि वो एक गर्म ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जीते हैं। अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए मॉडर्न एलिफेंट्स के कान भी मैमथ से ज्यादा बड़े हैं ताकि वो अपनी बॉडी से हीट को ज्यादा इफेक्टिवली रेडिएट कर सके। इसके अलावा मॉडर्न एलिफेंट्स की पूंछ भी मैमथ से ज्यादा लंबी है और उसके एंड पर थोड़े से बाल भी रहते हैं। ये पूंछ एलिफेंट्स को मक्खियां भगाने में काम आती है।
अब अगर मैमथ्स की बॉडी को आप देखोगे तो देखकर आप ये तो बिल्कुल कह सकते हो कि उनको ना ज्यादा गर्मी सहनी पड़ती होगी और ना ही उन्हें मच्छरों से कोई प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि आइस एज के ठंडे वातावरण में मच्छर तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन भी है कि आज तक एंटार्क्टिका में अभी तक साइंटिस्टों को एक मच्छर भी नहीं मिला है। इसके साथ मैमथ्स के कान भी छोटे थे ताकि वो हीट को बॉडी में ट्रैप करके रख सके, बाहर की तरफ रेडिएट ना करे। तो इसका मतलब ऑब्वियस है, मैमथ्स अपने ठंडे एनवायरमेंट में ही जीने के लिए परफेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली इवॉल्व हुए थे। मेरे कहने का मतलब ये है, इनकी स्ट्रेंथ ही इनकी वीकनेस बन गई। और ये कैसे हुआ? वेल, पेलियंटोलॉजिस्ट रॉक्स में प्रिजर्व फॉसिल्स की मदद से अर्थ के पास्ट एनवायरमेंट और क्लाइमेट के बारे में पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉसिलाइज्ड ट्रीज के रिंग्स को देखकर या शेल्स के ऊपर कैल्शियम रिंग्स को एनालाइज करके, यहाँ तक कि परमाफ्रॉस्ट बर्फ के लेयर्स को एनालाइज करके भी पास्ट क्लाइमेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी के मदद से भी आज हम ये जानते हैं कि मिलियंस ऑफ इयर्स के आइस एज को सहने के बाद आज से कुछ 14,000 साल पहले अर्थ का टेम्परेचर फिर से एक बार बढ़ने लगा था। अब जो मैमथ्स एक एक्सट्रीमली ठंडे एनवायरनमेंट को सहन करने के लिए परफेक्टली इवॉल्व हुए थे, उनके बालों से ढके शरीर और उनके साइज ने अर्थ के बढ़ते टेम्परेचर को मैमथ्स के लिए और भी ज्यादा एक्सट्रीम बना दिया। लेकिन एज डिटेक्टिव्स हम सीधा कंक्लूजन पर तो नहीं पहुंच सकते, वी नीड क्लूज राइट टू प्रूव दिस हाइपोथेसिस। और इसका क्लू हमें मिला एक मैमथ के इंटेस्टाइन्स के अंदर। यस, मैमथ्स के कुछ फॉसिल्स इतने वेल प्रिजर्व्ड है कि उनके पेट और इंटेस्टाइन्स के अंदर उनका खाया हुआ आखिरी खाना भी अभी भी मौजूद है। क्रेजी राइट? इसे एनालाइज करके हमें ये पता चला कि मैमथ्स का डाइट यूजुअली कैसा दिखता होगा। वो ज्यादातर जमीन पर उगने वाली घास और छोटे पेड़ पौधों को ही खाते थे, यानी कि वो पूरी तरीके से शाकाहारी थे। अब प्लांट्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे प्लांट्स को ज्यादा सनलाइट, मॉइस्चर और हीट मिलना भी शुरू हो गया। इनकी वजह से मैमथ्स का मेन फूड सोर्स जो था घास, उसे उगने के लिए जगह कम मिल रही थी। अब आज के हाथी एक दिन में 150 से 200 किलो जितना घास, छोटे पौधे, बुशेस, फ्रूट्स, ट्विग्स, ट्री बार्क और रूट्स को चबा जाते हैं। तो मान के चल सकते हैं कि मैमथ्स का डाइट भी कुछ ऐसा ही होगा, इफ नॉट मोर देन दिस। सो क्या ये सडन क्लाइमेट चेंज ही मैमथ्स के एक्सटिंक्शन के पीछे की वजह रही होगी? वेल, प्रोबेबली यस। बट सिर्फ एक रीजन तो नहीं हो सकती, ये केस इतनी आसानी से तो नहीं सुलझ सकता। सो हियर कम्स अनदर क्लू, इनके एक्सटिंक्शन के पीछे एक दूसरी वजह भी थी और वो वजह थी प्रेडेटर्स। अब हाँ, साइज में ये मैमथ्स लिटरली किसी टैंक की तरह थे और इनके बड़े टस्क को देखकर ही ऐसा लगता है कि कोई भी जानवर इनसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। बट अगर देखा जाए तो आज के जंगलों में भी कई प्रेडेटर्स इसकी शेर, टाइगर्स, हाथियों का शिकार करते ही हैं। यस, अकेले एक शिकारी का एक हाथी को पछाड़ पाना तो नामुमकिन है, और इसीलिए शेर भी झुंड में ही शिकार करता है। और बस कुछ इसी तरह प्री हिस्टोरिक सेबर टूथ कैट्स, जो कि आज के लायंस और टाइगर से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, और वुल्व्स ने ही शायद इन मैमथ्स का शिकार किया होगा, क्योंकि मैमथ्स के कुछ हड्डियां बिल्कुल मिले हैं जिन पर इन्हीं प्रेडेटर्स के दांत और नाखूनों का निशान मौजूद है। जैसे इसे देखो, मैमथ्स के इस पैर की हड्डी पर वुल्व्स के दांतों के निशान है, और ये देखो, ये एक पेल्विस बोन है जिस पर हाइनास के काटने के निशान मौजूद है। बट अब ये वाला फॉसिल देखो, इस पर किसी भी जंगली जानवर के नाखून या दांत के निशान नहीं है, पर इसका एनालिसिस ये कहता है कि किसी न किसी प्रेडेटर ने तो इसका शिकार बिल्कुल किया है। इस मैमथ की मौत दांतों या नाखूनों से नहीं हुई है, लेकिन एक नुकीले हाले से हुई है। Yes, इस मैमथ का शिकार किया था इंसानों ने। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे ऐसे केव्स मिले हैं जिसमें ह्यूमन और मैमथ बोन्स दोनों पाए गए हैं। इसके साथ कई सारे केव पेंटिंग्स भी मिले हैं जिनमें इंसानों को प्रीहिस्टोरिक जानवरों का शिकार करते हुए डिपिक्ट किया गया है। यू सी, आइस एज के इंसानों ने मैमथ्स के शरीर के हर हिस्से का कोई ना कोई यूज निकाल दिया। मैमथ्स के वुल और स्किन से वो कपड़े बनाया करते थे, हड्डियों से वो अपने टैंक्स गाड़े करते थे, और टस्क्स की मदद से वो वेपन्स और कार्विंग्स किया करते थे। अब अगर हड्डियों के आंकड़ों को देखा जाए तो एक ही बड़े केव में 64 इंडिविजुअल मैमथ्स के स्कल्स पाए गए हैं। कैन यू इमेजिन दैट? क्लियरली मींस इंसान ही मैमथ्स के एक्चुअल सबसे बड़े प्रेडेटर्स थे। तो क्या हम इंसानों ने ही सबसे बड़ा रोल प्ले किया है मैमथ्स के एक्सटिंक्ट होने के पीछे? वेल, बदनाम कर लो, हर चीज के पीछे कारण ह्यूमंस ही होते हैं। दिस इज नॉट द एंटायर पिक्चर, देयर आर मोर मिसिंग लिंक्स।
सो एक और एक क्लू मिलता है हमें उस समय के वातावरण से और उस वातावरण के वजह से होने वाले एनिमल बिहेवियर से। अगर हम पहले डिस्कस किए गए सभी फैक्टर्स को कंसिडर करें तो खाने की कमी होने की वजह से और प्रेडेटर्स की तादाद बढ़ने की वजह से मैमथ्स को अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा दूर जगहों तक माइग्रेट करना पड़ा और वो ऐसे ऐसे इलाकों में माइग्रेट होने लगे जहां पर उनकी जानों को और भी ज्यादा खतरा था क्योंकि वो प्लेसेस उनके लिए नए थे। और यही एक और रीजन भी है कि इवेंचुअली पूरी दुनिया के मैमथ्स विलुप्त होने लगे एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन के छोटे से आइलैंड को छोड़कर। यस, हमारे पास एक नया क्लू है। आर्कियोलॉजिस्ट को इस आइलैंड पर रिसर्च करने से ये पता चला कि कुछ 4000 साल पहले आर्कटिक ओशन के छोटे से व्रैंगल नाम के इस आइलैंड पर दुनिया के आखिरी मैमथ्स का एक छोटा सा झुंड इस चेंजिंग क्लाइमेट और प्रेडेटर्स से भरी दुनिया से जिंदा बच गया था। लेकिन आइलैंड पर बहुत ही कम रिसोर्सेज होने की वजह से ये मैमथ्स मैल न्यूट्रिशन और कई जेनेटिक बीमारियों का शिकार बन गए। एंड फाइनली अराउंड 3600 ईयर्स अगो इस आइलैंड पर दुनिया के आखिरी मैमथ ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सो देयर वी गो फ्रेंड्स, इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जवाब हमारे सामने है। क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, प्रेडेटर्स, जेनेटिक म्यूटेशंस और डिजीजेस की वजह से मैमथ्स का दुनिया से खात्मा हो गया। वेल, अभी भी इस केस की आखिरी कड़ी को जोड़ना बाकी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स के प्रोफेसर जॉर्ज चर्च, जो अपने जीनोम सीक्वेंसिंग और जीन स्प्लाइसिंग के लिए काफी मशहूर है, उनका मानना है कि वेल प्रिजर्व्ड मैमथ्स के अंदर से मैमथ डीएनए एक्सट्रैक्ट करके एक मैमथ का क्लोन बनाया जा सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो, केस रीओपन्स। इसका मतलब हम मैमथ्स को एक बार फिर से जिंदा कर पाएंगे इन द फ्यूचर। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अगर ये पॉसिबल हो सका तो क्या हमें ये करना चाहिए? क्या हमें मैमथ्स का वाकई में क्लोन बनाना चाहिए या फिर ये एक बुरा आइडिया हो? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें।